नमस्कार, भारत प्लस में आपका स्वागत है। अहमदाबाद में खेले गए आईपीएल 2023 के 13वें मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ 3 विकेट से एक यादगार जीत दर्ज की है। पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात ने 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 204 रन का स्कोर बनाया था। जवाब में केकेआर ने पूरे ओवर खेलकर 7 विकेट के नुकसान पर 207 रन का स्कोर बनाकर अपने नाम मुकाबला किया। इस सीजन में केकेआर की यह लगातार दूसरी जीत है, जबकि गुजरात को पहली बार सीजन में हार का सामना करना पड़ा। आपको बता दें, इस मुकाबले में बहुत कुछ देखने को मिला। 17वें ओवर की पहली गेंद पर राशिद खान ने आंद्रे रसल को 1 रन के निजी स्कोर पर आउट कर बड़ा झटका दिया। अगली 2 गेंदों पर उन्होंने सुनील नारायण और शार्दुल ठाकुर को चलता कर अपनी हैट्रिक पूरी की। यहां से लगा कि केकेआर के हाथ से पूरी तरह से मैच निकल गया है और उन्हें आखिरी ओवर में 29 रन बनाने थे। उमेश यादव ने यह तयाल की पहली गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक रिंकू सिंह को दे दी। यहां से जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। रिंकू सिंह ने अगली 5 गेंदों पर लगातार 5 छक्के जड़कर अपनी टीम को एक यादगार मैच जिता दिया और उन्होंने महज 21 गेंदों पर 1 चौका और 6 छक्कों की मदद से नाबाद 48 रन बनाए। ऐसी तमाम जानकारी पाने के लिए आज आप हमारे चैनल भारत प्लस को सब्सक्राइब करें।